आई मैम हटो सामने से तो हटो। आया ना मजे ले रही है। वीडियो बन रही हूं। आई वीडियो ही बन रही है बेटा। हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स आज मम्मा का बर्थडे है। हमने ये सब ये हमने प्लान करा है। बस आधे बैलून बाकी वो हम कल खुलेंगे। ये सब तो तब तक फूट जाएंगे। ऐसा तो तब तक फूट जाएंगे। अभी तो टेबल ही पूरी गंदी कर रखी है। अभी तो बहुत गंदा हो रहा है सब। मम्मा का बहुत अच्छा केक है लॉन्ग वाला। पापा और मैं मम्मा के साथ उधर रूम में रखा है। पापा मुझे टाबी चाहिए। तुम देख लिया? हां हमने देख लिया। हार्ड वाला हमने चॉकलेट हार्ड मंगवाया है। क्यों नहीं खा? अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। जैसा कि ईशु आयरू ने बताया कि आज मेरा बर्थडे है और अर्शल जो है मेरे लिए केक लेके आए हैं। जैसा ईशु आयरू ने भी अर्शल को बोला था कि मम्मा के लिए केक लेके आना है, तो बस केक आया है और थोड़े बहुत सामान और भी लाए थे अर्शल, ढोकला वगैरह लाए थे, वो तो हमने खा लिया पहले ही क्योंकि रात में तो ढोकला नहीं खाते। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है दिल्ली में, इस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बस हम जो है केक कटिंग करेंगे। अरे पीछे भी कुछ कराया मैंने। अच्छा खोलिए खोलिए। आ रहा हाथ में आ रहा। हाँ खोलिएगा जरा। देखो ये ईशु आयरू ने बनाया है या खाली ईशु ने कि खाली आयरू ने? मैंने बनाया है। आयरू ने बनाया हम दोनों। अपनी ने थोड़ी थोड़ी हेल्प करी है। मुझे हेल्प करी है मॉम। यहाँ पे कट किया है। कट अपनी ने खाया है। अच्छा ये देखो यहाँ क्या। हाथ तो हटाओ, हाथ तो हटाओ। आयरा और मॉम। आयरा आई लव मॉम। अच्छा है। अरे केक हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आयरा, थैंक यू ईशल। अच्छा खाते ना? बहुत सर अच्छा खाते ना? अब भी अच्छे बनाना। बिल्कुल मैंने गिफ्ट रैप भी करे काम। हाँ, आया है ना काम आ गया। मेरे पास ये तो आप केक कट कर ले। ओके आ जाओ पापा। आओ आप भी आते हो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मम्मा। हैप्पी बर्थडे टू यू। बस बस पहले मेरी क्योंकि मैं पहले तुम खिलाओ फिर मैं खिलाऊंगी। हाँ, क्योंकि ये प्लान मैंने ही तो फिर हमने जो है केक खा लिया है। और ये देखो बैलून कैसे बैलून विंडो में फैलाए हैं। छोड़ दे छोड़ छोड़ दे। अब पटाखे बनेंगे आपके पास देखो। आई है ये वाला फोन बोलता है। तो फ्रेंड्स केक कटिंग हो गई है। हम लोगों ने केक खा लिया है और ईशु आयरू ने और अर्शिल ने बहुत अच्छा सा प्लान करा था। और ईशु आयरू ने केक मंगवाया था। मैंने सोचा था कि पापा के लिए मतलब पापा से मंगवा लेते बैलून और केक। फिर ये वाला प्लान हमने सोचा था क्योंकि हम पहले पिछली बार ड्रेस दिला नहीं पाए, इसलिए हमने सोचा थोड़ा ये वाला चेंज कर ले केक और बैलून। केक बनाना है ये सब लाना है। सबने सुनाई नहीं? अच्छा सब आया का प्लान था। बोला सबने सुनाई नहीं। तो फ्रेंड्स अब जो है हम लोग केक वगैरह खा के सब फारिग हो गए हैं और मैंने चाय बनने रख दी है। इतना अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पर, तो मैंने सोचा क्यों ना चाय बनाऊं। और रात में कल छुट्टी है तो रात में चाय पीना अच्छा भी लगता है और आराम से हम देर तक जागेंगे आज तो। हमने मूवी लगाई हुई है अतरंगी, बहुत दिनों से देखनी थी ये मूवी, तो आज फाइनली हम देख रहे हैं क्योंकि कल हमारी छुट्टी है। और मूवी भी देखेंगे थोड़ी देर बाद, फिर चाय भी पियेंगे और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली में, तो बस ये सब चीज़ें इन्जॉय करेंगे और अपना बर्थडे भी ऐसे इन्जॉय करेंगे। और अब कल क्या करेंगे ये तो पता नहीं, और देखते हैं क्या होता है।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी जो है सुबह हो गई है और दिल्ली में खूब बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है रात से कंटिन्यू। और अभी जो है देखिए कैसे अभी भी बारिश हो रही है। तो अभी हमने चाय वगैरह पी है और अभी 11 बज रहे हैं और मेरी मेड नहीं आई है और मुझे लग भी नहीं रहा वो आएगी और ना ही मैं अभी उसे बुलाऊँगी क्योंकि बारिश में बेकार में उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। और अब मैं धीरे धीरे सारे काम करना स्टार्ट कर रही हूँ, देखो तस्लीम भी आती है या नहीं आती है। और फिलहाल मैं जो है ईशु आयरू के लिए सैंडविच बना रही हूँ, ईशु आयरू नहीं सबके लिए ही सैंडविच बना रही हूँ क्योंकि इन दोनों का खाने का दिल हो रहा था, ईशु आयरू का, तो मैंने सबके लिए सैंडविच बना लिए। लग रहा था शायद आएगी भी नहीं, मगर मेरी बात हुई तस्लीम से तो तस्लीम ने कहा कि बारिश रुक गई है, यहाँ पर भी थोड़ी बारिश रुक गई है तो वो आ रही है, मगर अभी से आने में टाइम लगेगा। और मैंने इतनी जल्दी साग आलू भी बनने रख दिया क्योंकि मुझे कल साग आलू बनाना था बट कल मेरे पास टाइम नहीं था और थोड़ा मूड भी मेरा ऑफ था, इस वजह से मैंने नहीं बनाया। तो अभी मैंने उसको बनने रख दिया, साग कटा था, सब कुछ था। फिर उसको फ्रिज में रखने में दिक्कत होती है क्योंकि ऑलरेडी फ्रिज मेरा फुल हो रखा है, अभी उसकी भी सफाई करनी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है कमरे में थोड़ा चेंज करा है, ये देखिए, ये अभी दिखाती हूँ सही से। ये देखिए यहाँ पर जो हमने पहले की मैंने बताया था, मैंने दीवान यहाँ पर कर दिया है तो यहाँ पर पूरे में कर्टन डाल दिए हैं ये पूरे लंबे करके, और ताकि इसके पीछे जो हमारी अलमीरा वगैरह थी वो सब इसके पीछे आ गई है। ये देखिए सब पीछे रख दिया, अलमीरा वगैरह, रैग वगैरह, शूज रैग वगैरह सब पीछे रख दिए, ये स्पेस पूरा खाली हो गया है। और ये आयरू का कैप है, इनकी हनी फूफू लेके आई थी आयरू का कैप, और ये इनके लिए मास्क, कितना क्यूट है। ये ईशू का है और ये आयरू का है, मगर आयरू पिंक कलर है तो आयरू का तो इस पे भी दिला रखा है, उनको मौका मिलेगा तो वो ही लगाएंगी। ये बहुत क्यूट लग रहा है, इसको इसके अंदर रख दिया मैंने कि ये गंदा नहीं हो। और तो आज जैसा कि रात बताया था ईशू आयरू ने कि मेरा बर्थडे है और अच्छे खासे बर्थडे की मेरी बैंड बची है क्योंकि तो लॉकडाउन हो गया कहीं जाने के नहीं, उसके बाद फिर बारिश हो गई, उसके बाद फिर कोई मेड नहीं आई तो सुबह से काम 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 बस ये था, ये लगे हैं। और ये मैंने कुछ अपने कपड़े लिए थे, ये मैंने अर्शिल ने मुझे बदानियों से दिलवाया था, जब मैं बदानियों गई थी तब लाई थी, तो ये सब कपड़े मैंने स्टिच करवाया। और ये मुझे अर्शिल ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया है, ये तो मैं शाम में पहन के दिखाऊंगी। तो ये मैंने कपड़े मेरे स्टिच होके आ गए हैं, ये रखे हुए हैं बस। और फ्रेंड्स ये देखिए आरा जो है स्टीम ले रही है क्योंकि आरा को थोड़ी थोड़ी खांसी हो रही थी। और हम लोग जो है डेली बाहर जाते हैं, आरा ईशू भी जो है टाइकांडो क्लासेस जाती हैं अपने और हम भी अपने ऑफिस जाते हैं, तो अभी से हमने ये डिसाइड कराया है कि हम लोग जो है डेली स्टीम करेंगे और शाम में भी स्टीम लेंगे, दिन मतलब जब ऑफिस से आ जाएंगे टाइकांडो से आ जाएंगे तो शाम में डेली स्टीम लेंगे, और क्योंकि ये जो सिचुएशन है कोरोना की इसमें स्टीम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरू बढ़िया लग रहा है, आयरू को पता नहीं रात में क्यों इतनी खांसी आने लगी थी, बार बार खांस रही थी, सुबह उठ के तो ज्यादा ही खांस रही थी, बहुत थोड़ी थी मगर अलग हो गया, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्यों आ रही थी इतनी। तो फिर अभी आज इन्होंने स्टीम निकाला, स्टीमर मतलब, तो अब जो है स्टीम लेना स्टार्ट करा है, ईशू स्टीम लेके जा चुकी है, बहुत गर्म आ रहा है। फ्रेंड मेरा साग आलू बन गया है, अब मैं अपना खिचड़ा बनने रखूंगी। और सुबह अब जैसे तस्लीम आने वाली थी बट वो फिर नहीं आ रही है क्योंकि कोई ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिला, क्योंकि आज सैटरडे संडे यहाँ लॉकडाउन हो गया है जो उसके चक्कर में उसे कोई ऑटो नहीं मिल रहा, इस वजह से वो नहीं आ पा रही है। और मैं जो है सुबह से 3 से 4 बार जो है बर्तन ही धो चुकी हूँ आज, मतलब अपनी बर्थडे वाले दिन ना मैं बर्तन धोने वाली बन गई हूँ, सिर्फ बर्तन इकट्ठे हुए चले जा रहे हैं। अभी मैंने सारे बर्तन धो के रखे हैं अभी, और अभी पता नहीं दिन में कितनी बार इतनी बर्तन होने वाले हैं। ओह माय गॉड, फुल बर्तन धोने वाला डे बन गया है मेरा तो बर्थडे की जगह। ईशा देखो फ्रेंड्स, ईशा ने कितना बड़ा बड़ा बैलून फुलाया है, और आयरा ने भी कितना बड़ा बैलून, दोनों ने अच्छा मैचिंग कर लिया, ईशा का ईशा के टॉप से मैच कर रहा है बैलून, आयरा का आयरा के टॉप से मैच कर रहा है, अरे भाई इतना बड़ा बैलून। और फ्रेंड्स मेरा जो है अब खाना बना मतलब रख दिया है मैंने खिचड़ा बनने के लिए, उसमें तो खैर बहुत टाइम लगेगा, रखे हुए भी देर हो गई। तो अभी मैं नहाने जा रही थी तो मेरा कुछ मतलब कुछ अच्छा पहनने का दिल कर रहा था उसने है, तो मैंने सोचा कि ये सूट मेरा अभी स्टिच होके आया है तो मैं यही पहनती हूँ, शाम में चेंज कर लूँगी क्योंकि कुछ ऐसे सिंपल सा ही सूट सिलवाया है मैंने, और मैं हमेशा कॉलर वाला ही गला पहनती हूँ मोस्टली, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़े हो मैं मोस्टली ऐसे ही नेक पहनती हूँ। तो ये रहा मेरा सूट, बाकी मैं जब पहनूंगी तब वीडियो में दिखाऊंगी। फ्रेंड्स मेरे मम्मा मेरे लिए खिचड़ा बना रही है,
तो फ्रेंड जैसे कि मैंने खिचड़ा बनने रख दिया था, मैं सारा कुछ मिला के एक ही भगवानी में सब रख देती हूँ और एक खोल लेके तेज आंच पे फिर हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ क्योंकि फिर जो है सब अच्छे से गल गया है। एक घंटे बाद मैंने देखा, बीच में मैं बिल्कुल भी नहीं चढ़ाती, बिल्कुल भी कोई कलछली भी नहीं डालती मैं। बस अब मैं इसे घोट रही हूँ, मैं हमेशा राइस से ही खिचड़ा घोटती हूँ। बस जो है मिक्सी में घुटा हुआ या किसी चीज में पिसा हुआ खिचड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो है घुटने भी लग गया है, अभी थोड़ा सा और घोटूंगी मैं इसे, उसके बाद छोड़ दूंगी। और इस तरीके से ना बहुत इजीली खिचड़ा बन जाता है, मैं कुकर वगैरह में बिल्कुल भी नहीं गलाती, सारी चीजें इसी में ही मिक्स करके रखती हूँ भगवाने में और उसे चक के छोड़ देती हूँ। अर्शिल की मम्मी जो है वो इसी तरह से बनाती हैं और उनकी ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे बहुत आसान भी लगता है ऐसे करना। जैसे तो मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, डिजाइन हल्का हल्का सा, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये, तो मैंने इसी वजह से लिए थे। और मैंने खिचड़ा भी आज इसी वजह से और बनाया है ताकि मैं इन बाउल में खा सकूं, इन बाउल में मेरा खाने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा है। तो फ्रेंड फाइनली मेरा खिचड़ा बन गया है और मैं काफी लेट हो गई बनाते बनाते, 4:30 बज गए। मैं सोचा था 4 बजे तक तैयार हो जाएगा बट 4:30 बज गए क्योंकि काम भी बहुत ज्यादा था, कोई आया ही नहीं था तो सारा काम मुझे ही करना था, फिर नहाई तो इस वजह से बहुत लेट हो गया। तो बस अब हम खिचड़ा एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स मेरा खिचड़ा एकदम तैयार हो गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है इस बाउल में। तो फ्रेंड्स ये है वो सूट जो मैं उस टाइम दिखा रही थी जो मैं पहनने वाली हूँ, तो ये मैंने पहन लिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सूट पहन के। और मेरे पास पूरा ग्रे कलर का कोई सूट था भी नहीं, तो ये फर्स्ट सूट है मेरे पास पूरा ऐसे ग्रे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये भी अर्शिल ने मुझे बर्थडे पर ही दिया है, तो थैंक यू अर्शिल। फ्रेंड्स ये देखिए अब मेरा जो है जितना भी ऑर्डर अर्शिल ने मंगाया था आज मेरे लिए वो सब कुछ आ गया है। हाँ तो वो आ गया है, अभी मोमोज मंगाए थे जो मेरे फेवरेट मोमोज हैं जो मैं हमेशा खाती हूँ, ग्रेवी मोमोज वो मंगाए हैं अर्शिल ने। और बच्चों के लिए क्योंकि वो गर्म हो रहा है तो पिज्जा मंगाया है, स्पेशली शुआरू को खाना था इस वजह से और मंगाया है पिज्जा, मैंने तो कल ही खाया था। ये भी ग्रेवी मोमोज है, नहीं दोनों ग्रेवी मंगाए, आज कुरकुरी नहीं मंगाए। और ईशु आयरू कैसी लग रही है देखो, आज ईशु आयरू ने कैसे जूड़ा बनाया है, दिखाओ पीछे से दिखाना, पीछे से दिखाना, नीचा हो गया थोड़ा तुम्हारा, ऊंचा बनाया था मैंने, आया तुम दिखाना अपना, छोटा सा पंजाब है। हाँ तो ये आ गया और पिज्जा गर्म हो गया, मेरी गार्लिक ब्रेड भी आई है। तो फ्रेंड्स ये है वो सूट जो अर्शिल ने मुझे मंगाया है बर्थडे के लिए, और मुझे ये सूट बहुत 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 पसंद आया है क्योंकि मैं ऐसा सूट कब से लेना चाहती थी शैनली का, और ये पूरा शैनली का है, उसका जो दुपट्टा है वो भी शैनली का है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अर्शिल ने ये मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है, मतलब बर्थडे गिफ्ट तो और भी दिए उन्होंने मुझे, और जो इससे पहले मैंने जो सूट पहना था वो भी दिया है, दो हैंड बैग भी दिए है, बट ये मेरा फेवरेट सूट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कलर और हाँ, और इसका जो दुपट्टे का कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने इसको स्टिच करवाया था तो मैंने साथ में मास्क भी स्टिच करवाया था, ये देखिए इसका मास्क भी कितना अच्छा लग रहा है लगा के पूरा, हाँ थोड़ा सा टाइट है बट अच्छा लग रहा है पूरा सूट बन के मास्क के साथ बहुत ज्यादा, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा हैवी भी नहीं है। तो थैंक यू अर्शिल, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सूट और सारे गिफ्ट, थैंक यू। फ्रेंड्स ये था मतलब अब जो है बस ये सब कुछ था मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन, और फिर पिज्जा भी आ गया है फाइनली, और अब बस गार्लिक ब्रेड आ गई है वो लेके आ रहे हैं अर्शिल। तो ऐसे गई मेरी बर्थडे थी, तो मैंने बहुत कुछ प्लान करा था कि हम कहीं बाहर जाएंगे और हिबा आएंगी और शायद मम्मी भी आने वाली थी, तो बहुत कुछ प्लान था, मुझे पता भी नहीं था सब कुछ, बाद में मुझे पता चला जब कैंसिल हो गया लॉकडाउन की वजह से, ना तो हिबा आ पाई और ना मम्मी आ पाई, तो सब कैंसिल हो गया। अच्छा लग रहा है ना इस सूट पे, अच्छा लग रहा है वो क्रीम के साथ। देखो फ्रेंड एक और गिफ्ट मिला मुझे जो कि सबा ने दिया, अभी सबा और अदनान आए थे और जो है जो मैंने छोटी छोटी सी पार्टी की थी बस, तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का दिन और मेरे बर्थडे वाला दिन जो मैंने किया। और अभी जो है शुआरू अपने पापा के साथ बैठी हैं, इनके पापा कुरान पढ़ रहे हैं और तर्जुमा पढ़ के इनको सुना रहे हैं और इनकी सूरतें सुनते हैं फिर इनके पापा, और जो डेली करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यही था, और अभी जो है मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ और अब मैं अपने नए ब्लॉग के साथ जल्दी मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको अपने हिज़्ज़ो माल में रखे अपने नए ब्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। और हाँ प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।